अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है मियां उस्मान। मेरा नाम है अदनान परवेज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बैट इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप हमारे हाथों में माशाल्लाह जी खूबसूरत और नायाब असील मुर्गे। और आज हम मैसम भाई के पास आए हैं जी, इन्होंने माशाल्लाह मुर्गों का शौक शुरू किया हुआ है। तो आइए आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जान भाई? ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। आपने जो भी शौक किया ना माशाल्लाह वो हैवी किया आपने। जो अदनान भाई, तो आज हमें ये मुर्गों के बारे में बताया जी, ये कौन कौन से हैं आपके पास? ये आपने जो पकड़ा हुआ है ये मिक्स है, ये होम मेड है। अच्छा, ये मिक्स है। अच्छा, ये शामू है। ठीक हो गया, इंपोर्टेड लाइनों में आता है। ठीक है, ये भी हमारे होम ब्रीड है। ये साल जो आपके भी ये सीजन लड़ने हैं। अच्छा, लड़ाई भी करवाते हैं, फाइटिंग है साल में। बाकी ये लड़के हैं हमारे, ये तैयारी पूरी करवाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं किस तरह तैयारी करते हैं। अच्छा, सारी तैयारी करते हो। अच्छा, ये माशा आपने काफ़ी रखे हुए हैं, तो ये कौन कौन सी ब्रीड है? इसमें कोई सारी ब्रीड है। अच्छा, ये होम ब्रीड है माशा सारी? सारे होम ब्रीड है, जितने आपको नजर आ रहे हैं सारे पट्टियाँ पट्टे हुए हैं। और चांद भी इनको तैयार होने में कितनी देर लगती है? इस लड़ाई के एक साल पूरा। चांद भी लड़ाई के अलावा मुझे बताएं, ये तो आप मुझे बता रहे हैं अक्सर लोग लड़ाई के लिए ले गए, तो ये एक अर्निंग बिजनेस है नया स्टार्टिंग। लड़ाई के अलावा चांद भी इनकी ब्रीडिंग के हवाले से जिनके बच्चे चूहे बिकते हैं हमारे यहाँ, लड़ाई के अलावा भी तो शौक हो सकता है आपके ना? बाज़ लोगों ने डिफरेंट शो किया। हाँ जी, ऐसे ठीक है। जो साइडों के लोग हैं जिस तरह बिहारी है, इधर उधर के लोग हैं, ठीक है। और जो हमारे लाहौर में ज़्यादा जो कारोबार कर रहे हैं उन्होंने शामू, ये बुरबी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये बुरबी हो गया, ये भी ठीक है। और हो गया ये ट्राट है, यानी कि इस तरह में वो बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ के लोग शौक कर रहे हैं, फाइटिंग कम नहीं कर रहे, फाइटिंग नहीं कर रहे। अच्छा चांद भाई, ये वाले कौन से हैं जी? ये हिंट है, इनके लाइन लगी हुई है सारी। ये मिक्स है, ये मिक्स है, ये अच्छा चांद भाई, तैयारी वगैरह मैंने सुना जी तैयारी लगती है, तो उसके लिए क्या खुराक आप इस्तेमाल करते हैं इनके लिए? ये शामू पेयर है हमारा, ये इंपोर्टेड में आएगा ना चांद भाई? शामू में दोनों घर के पट्टे हैं माशाल्लाह जी। ठीक है, ये सीजन लड़ने हैं दोनों। उसमें क्या देते हैं? बहुत सी चीजें हैं जिस तरह फिर उसके बाद जाके आपस में तपड़ियां दे के चेक किया जाता है, उसके बाद जाके ये फिर आगे निकलते हैं। अच्छा चांद भाई, वो मुझे नज़र आ रहा है वो दो केजीज में आपने सेपरेट से मुर्गे रखे हुए हैं, वो कौन से? वो भी मैंने दिखाए, वो भी घर के बच्चे हैं दोनों। अच्छा, वो तैयारी लगाए हैं, मैं उन्हें जरा लहरा किया था जब कुछ भी मुर्गा नजर ना। अच्छा, एक पट्टा छोटा है, एक मुर्गी है, ये पाकिस्तानी है। अच्छा चांद भाई, पाकिस्तानी और इंपोर्टेड के स्टेमिना क्या थोड़ा फर्क होता है? बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, ये तैयारी पे फिर इनको सेपरेट बंद कर दे? हाँ जी, क्योंकि मुर्गा ना नजर आए, क्रीज पूरी करनी हो मिट्टी में छोड़ना पड़ता। अच्छा, अच्छा ये कौन सी ब्रीड है जी? ये भी होम ब्रीड है। और इसका नाम क्या है? ये पाकिस्तानी। अच्छा, ये पाकिस्तानी। ये जो नीचे है वो
ये क्लास में मुर्गी के ये सीजन लड़ना है ये भी मुर्गा। अच्छा जी ये सीजन लड़ना है ये तैयारी पे का क्लास है ये पाकिस्तानी और बुर्मी है। तो चांद भी ये डिफरेंट अगर इंपोर्टेड और पाकिस्तान का मिक्स ब्रीड के बाद इसका क्या स्टैमिना इंक्रीज होता है जो हमारे पास ये नस्ल पे पेयर हुई। पहले जो था ना खाली पाकिस्तान के ऐसे यहां वाले के वो पूरे का जो पाकिस्तान अब जो हो गया वह टर्न थोड़ा चेंज हो गया है हर बंदा फास्ट फाइट करता है ऐसे ही अब जो आती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट है मतलब पाकिस्तानी हमारे स्लो है फिर अब हम हमें क्या करते हैं आपस में ताज इतना बांध कर हाँ उनको आपस में मैच करने के लिए उनकी ब्लड लाइन जो है उनको देखते हैं अपनी पाकिस्तानी मुर्गियाँ जो हमारे पास वो टॉप टर्न की उन्हें बलैती मुर्गा देते हैं उनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो थोड़े जो हमारे बेसिक बलैती मुर्गे पाकिस्तान आ रहे हैं ना वो थोड़े छोटे खाते हैं ठीक है और हमारे पाकिस्तानी बड़े माशाल्लाह बड़े 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 साइज इनमें जो इम्पोर्टेड शामूज वगैरह है ना वो शामू की हाइट बड़ी अच्छी है बहुत अच्छी हाइट है ठीक है हम क्या करते हैं उनकी आपस में वो आपको मैंने जोड़े दिखाए हैं उनके साथ एक मुर्गे के साथ चार चार पाँच पाँच मुर्गे हैं मुर्गों के जो खाते हैं ना वो मुर्गियों से पैक करते हैं तो मुर्गियाँ हमारी जरा बड़े साइज़ की हैं उसमें ये होता है कि हमारे बच्चे आप जितने देख रहे हैं ये साइज अच्छे हैं ठीक है इनके साइज में बहुत अच्छे बन गए हैं अच्छे ठीक है उनके साइज आप देख रहे हैं ये पाँच पाँच चार चार छः छः माह के बच्चे हैं सारे और इनके बड़े अच्छे साइज बन गए हैं सब ये डिफरेंट कर रहे हैं कि उसको पाकिस्तानी में साथ अच्छा आप उसमें दे रहे हो लाइन में एक को स्टेमिना दे रहे हो और एक क्वालिटी भी दे रहे हो क्वालिटी भी दे रहे हो ये सेल भी आप कर रहे हैं जी सेल भी कर रहे हैं क्या प्राइस है वैसे कोई इसमें भी बताएं प्राइस है हां ये जिसका ये भाई ने पकड़े हुए हैं ये वाइट वाला मुर्गा जो मैंने पकड़ा हुआ था ये उनके बच्चे सही ये शामू जान सारे ये चार चार तीन तीन चार चार पाँच पाँच माँ के बच्चे हैं ठीक है तो नॉर्मल प्राइस यानी कि क्या चल रही है आजकल जो है मार्केट में वो जी इधर हर बंदे का एक अपना हिसाब है अपने तरीके से बेचता है जिसको जो समझ आती है वो सही है आजकल उस्मान भी इसका बड़ा ट्रेंड हुआ ना ये भी लाखों पे चल गई हुई है गेम सही ये गेम के वाले से ब्रीडिंग के वाले से इनका पैसे भी इनके बड़े लोगों ने सेटअप स्टार्ट कर दिया हुआ मोस्टली अब इसी में आ रहे हैं ये मुर्गों के सेटअप लड़ाई तो नहीं करवाते लेकिन वो होम ब्रीडर होम ब्रीडर अगर किसी की फेमस होगी तो ये तो जितना आप तो अगर आपकी होम ब्रीड किसके पास अच्छी आगे जाके चली जाती है तो फिर आपको मुँह मांगे पैसे मिलते हैं तो ये मैंने तो खैर ये नया नया इधर स्टार्ट किया पहले आप आए होंगे सामने देखा डॉग से आपके नए सेटअप के लिए बेस्ट ऑफ लक अल्लाह कामयाब करे उसके बाद इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा। जान भाई अगर कोई भाई कोई शौकीन आपसे लेना चाहे तो उनके लिए ज़रा ये नंबर है हमारा 0321-464-7942 और दूसरा ये मेरे टीम डैंडो जिसका डॉग का इसका भी मैंने यही नाम रखा हुआ टीम डैंडो सील क्लब ठीक हो ठीक है तो हरबंसपुरा में ये हमारा आया सेटअप डॉग का था तो जिसको चाहिए हो अच्छी ब्रीड जिसे चाहिए हो शौकीन आदमी हो जो वो आके विज़िट कर सकता है हमारे जी। तो दोस्तों जी उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।